कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन पूरा हुआ है, मंत्री भजन लाल जाटव हमारे साथ हैं। सर, कितने लोग एक तो राजस्थान से यहाँ आ पाए, क्या प्रदर्शन आपको सफल लगा और आगे क्या रणनीति होगी? जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पर रोकने का काम किया और कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को थाने में बंद कर दिया गया, और यहाँ पर जहाँ हमारा धरना प्रदर्शन था, जहाँ शांतिपूर्वक हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ तक उनको पहुँचने तक नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जिस तरीका से द्वेषपूर्वक जो कार्य कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को जिस तरह से नोटिस दिया है, ये इस कड़े शब्दों में हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। और सत्य की हमेशा जीत होती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने देश को आज़ाद किया। क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे, रुकेगी राजस्थान के नेता? बिल्कुल रुकेंगे। अभी हम लोग सब लोग यहीं हैं, हमारे लोग भी यहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता भी यहीं हैं, हम सब लोग यहीं हैं, तमाम हमारे MLAs हैं, मंत्रीगण हैं, सब लोग, हमारे CM साहब, सब लोग यहाँ पर हैं। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये लोग अग्निपथ को वापस नहीं करेंगे, और दूसरा जिस तरीका से राहुल जी के साथ जो इन्होंने अन्याय कर रहे हैं और उनके साथ दोषपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं, इसको जब तक ये वापस नहीं लेंगे, अग्निपथ को वापस नहीं लेने तक यहाँ पर रहेंगे। विधायक रफीक खान हमारे साथ हैं, क्या लगता है सर, साफ कह दिया गया केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ वापस नहीं होगी? इन्होंने, केंद्र सरकार ने तो किसान बिल के लिए भी कहा था कि वापस नहीं होंगे, फिर क्यों लिए इन्होंने वापस? किसान बिल की तरह पूरी देश के अंदर युवा सड़कों के ऊपर है, पूरे देश में तांडव हो रहा है। इनको, जैसा आपने सुना होगा, हमारे विभिन्न नेताओं ने विभिन्न तरीके से अपनी बात रखी और ये क्लियर किया कि ये इनकी मंशा सेना में इनसिक्योरिटी लाने की, सेना की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने की। जिस सेना को कांग्रेस पार्टी ने अपने लहू से सींचा, उसके साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और युवाओं को भर्ती देनी है, सेनाओं में भर्ती करनी है, तो उनके पूरे टेन्योर के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल तो इनके ट्रेनिंग पीरियड के ही निकल जाते हैं। जैसे किसान बिल वापस लिया, इनको ये भी वापस लेना पड़ेगा। किसान बिल की तरह वापस लेने की बात है। मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, क्या लगता सर, कांग्रेस को उम्मीद है कि क्या अग्निपथ योजना को वापस ले लिया जाएगा? देखिए, देश की जो सरकार काम कर रही है, ये डरपोक सरकार है। जब 3 काले बिल लेके आई थी किसानों के खिलाफ में, उस वक्त भी इन्होंने कहा था हम पीछे नहीं हटेंगे, और उस वक्त भी किसानों की ताकत के आगे इसको पीछे हटना पड़ा, और वही होगा अभी जो ये अभी लेके आए अग्निवीर में। जो देश के युवाओं के अंदर जो रोष है, और जहाँ पर आगजनी हो रही है, ट्रेनें जल रही है, बसें जल रही है, घटनाएं घटित हो रही है, उसे सरकार को झुकना पड़ेगा। कांग्रेस की जीत होगी, ये कह रहे हैं महेंद्र चौधरी। सर, गोविंद राम मेघवाल हमारे साथ हैं। सर, सत्याग्रह की बात है, क्या कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा? बिल्कुल, ये जो मोदी और अमित शाह जी ने जो पूरे देश में जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी एक समय में तानाशाह बन चुके थे और पूरे विश्व के अंदर तबाही मचाई थी, उसी प्रकार मोदी और अमित शाह ने पूरे देश के अंदर तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण प्रजातंत्र कमज़ोर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, संविधान को आए दिन जलवा रहे हैं ये RSS के माध्यम से, पूरे देश में हिंदू और मुसलमान के दंगे करवा रहे हैं। आपने देखा है कि राहुल गांधी जी का जो पूरा परिवार है, इनकी पूरी 7 पीढ़ी सादत से भरी पड़ी है, अंग्रेजों के सामने ये लोग झुके नहीं। आज पूरे देश की आवाज़ है राहुल गांधी जी। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी, यानी हर उस मुद्दे पर जिससे कांग्रेस या विपक्ष सहमत नहीं है, उस पर आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ अग्निपथ योजना के खिलाफ और राहुल गांधी द्वारा ED द्वारा हो रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा, ये कांग्रेस का नेता कह रहे हैं। कैमरामैन यश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस के प्रदर्शन में मंत्री टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, विधायक सफिया खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक सफिया खान से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत करते हुए कहा कि सेना में राजनीति घुसाई जा रही है, जो कि गलत है। केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेनी होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह कार्यक्रम है, अभी विरोध प्रदर्शन पूरा हो गया है। विधायक सफिया खान हमारे साथ हैं। मैडम, प्रदर्शन पूरा हो गया है, किस पर ज़्यादा फोकस है कांग्रेस का, और क्या अग्निपथ योजना ने कांग्रेस को ऑक्शन दी है? देखिए, प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ, ये प्रदर्शन तो बल्कि शुरू हुआ है। मुझे लगता है अब कांग्रेस सड़क पे निकल के आई है पूरे देश भर में, कि जिस प्रकार से BJP की सरकार ED CBI इनकी मदद लेके हमारे बड़े बड़े नेताओं पे दबाव बनाने की प्रयास कर रही है, हमारे राहुल गांधी से जिस प्रकार के दिनों तक लगातार
पूछताछ चल रही है जो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रही, क्योंकि राहुल जी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक शुरुआत है और अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके बावजूद उन्होंने अग्निपथ जैसी योजना लेकर आए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं इस देश के इतिहास के बारे में, देश की फौज के बारे में। इन्होंने फौज को तो एक डेपुटेशन का डिपार्टमेंट बना दिया है कि कोई टीचर है तो डेपुटेशन में फौज पे चले जाओ चार साल के लिए। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने कहा है कि योजना चलेगी और जल्दी भर्ती शुरू करेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख जो प्रमुख भी हैं वो भी आजकल पॉलिटिकल हो गए हैं। पहले फौज पॉलिटिक्स से दूर रहती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है फौज में भी काफी हद तक पॉलिटिक्स घुस गई है। पॉलिटिकल इनके ट्रांसफर्स भी होते हैं, इनको पोस्ट भी मिलती है, तो वो तो उन्हीं की बीन बजाएंगे। देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार के बयान हमारे फौजी जनरल, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयरफोर्स स्टाफ दे रहे हैं, बहुत ही खराब मैसेज पूरे देश में जा रहा है, बल्कि विदेशों में भी जा रहा है। आपने देखा विदेशों से भी किस तरह की बातें निकल के आ रही है। मुझे लगता है अब इनका अंत नज़दीकी है। विधायक सफिया खान कहती हैं कि अभी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हुआ है और आगे आगे कांग्रेस और ज़्यादा प्रदर्शन इन अग्निपथ योजना और बाकी चीज़ों के लिए करेगी। कैमरामैन यश के साथ अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दिल्ली।